ये तो है कि मोहब्बत करते हैं तभी इतनी जल्दी जमीन पे आ गए, नहीं तो अब जिस तरह से बीमार थे। धन्यवाद देंगे जो हमारे लिए दुआ दिए। सोल्यूशन हम खुद से कर सके इसके लिए जीवन सर ने एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया, एक उपहार है जिसे लाइफ में कोई भी इंसान चाहे तो ये कभी छीन नहीं सकता। निर्भर है, कल उनको जरूरत पड़े तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े, वो स्वावलंबी रहेंगी तभी तो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर पाएंगी, अपने परिवार का पालन पोषण। उसको दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी सुविधाएं जो है इन्होंने दिया है, ये आज सुविधा इन लोगों को मिलेगी तो इनके बाल बच्चे होंगे, इनकी खुशी होगी, इनके लिए दुआ करेंगे। खर्च अब हम मीडिया में थोड़े बताएंगे, आप जोड़ लीजिए, खर्च बताने लगेंगे तो फिर तो मालूम चलेगा ईडी का छापमारी हमारे घर भी कराना है क्या। बेरोजगार हैं या फिर जो भी असुरक्षित है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, जिनके घर वाले, ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि हुनर होने के बावजूद भी हमें घर से बाहर नहीं निकलने नहीं रहा, वो हॉस्पिटल बन चुका है, जीवन सेवा सदन हॉस्पिटल हो गया है। हेल्थ कैंप एक बार लगता है, दो बार लगता है, 10 बार लगता है, अब तो हम उसको एक बिल्डिंग थी हमारी उसको हॉस्पिटल अभी तक नहीं किया है, लेकिन आपने किया, जीवन यादव ने किया। हाँ तो बेच रहे हैं तो फिर गलत क्या है, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकाला जा सकता है रजिस्ट्री कचर, और नहीं बेचेंगे तो कोई साइड इनकम तो है नहीं। माँ टीचर रिटायर्ड हैं, पिताजी बड़ा बाबू से रिटायर्ड है, भाई हमारा सीआरपी में सीपी हैं, तो अब ऐसा थोड़े को वो लोग पैसा देंगे तो ये काम करेंगे, हम अपना जमीन बेच कर खरीदे हैं। के बावजूद भी इसे छीना नहीं जा सकता, ये ऐसा गिफ्ट है हम लोगों के लिए और मैं इसके लिए जीवन सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी जल्दी ठीक हो गए, नहीं तो इतने जल्दी जॉन्डिस से हम रिकवर हो गए हैं, हमको विश्वास नहीं है, एकदम स्वस्थ है, आपके परिवार को चला सकती है, आने वाली प्रॉब्लम का वो खुद सोल्यूशन कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती है इसके लिए। जी मेरा नाम नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। आपने देखा था कि जीवन यादव ने कहा था कि मैं सिवान शहर के जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड में 2 सिलाई सेंटर खोलेंगे और इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। उसके बाद ये सिवान के नया किला है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है और इस बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है जीवन जन सेवा सदन न्याय समिति ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट के माध्यम से सिवान जिला में हर जगह, सिवान शहर में हर जगह सिलाई सेंटर खोला जा रहा है और सिलाई सेंटर इसलिए खोला जाता है कि जो लड़कियाँ हैं वो सिलाई सीखेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी और जब आत्मनिर्भर बनेंगी तो खुद सीखेंगी और अपने आप पैरों पर खड़ी रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जीवन यादव के द्वारा सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया है और जो सिलाई मशीन है ये जीवन यादव के दिया गया है। आपको बता दें कि एक इसमें रूल है कि सिलाई सेंटर सीखने के बाद जो भी बच्चियां सिलाई सीख लेंगी उसका एक ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के माध्यम से जो लड़कियां सिलाई सेंटर में फर्स्ट आएंगी उन्हें सिलाई मशीन भी फ्री दिया जाएगा, ऐसा जीवन यादव का कहना है। तो हमारे सामने देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे सिलाई जो ट्रेनिंग देंगी, यहाँ पे 2 लोग हैं ट्रेनिंग के, तो एक लोग क्या नाम है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी मेरा नाम गजाला परवीन है। आप यहाँ पे बच्चियों को किस तरह से ट्रेनिंग देंगे? मैं बहुत मेहनत के साथ बच्चियों को सिखाना चाहती हूँ, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे। सिलाई सीखी हैं पहले से, सिलाई मशीन चलाती हैं? हाँ सिलाई सीखी हूँ, सिलाई भी करती हूँ, इसीलिए मैं ली हुई है। आपको पता है कि इसका रूल क्या है, कैसे क्या सिखाना है, उसके बाद सिलाई सीखने के बाद क्या कुछ मिलेगा? जी जी सब रूल हमें पता है, सिलाई बच्चियाँ सीखेंगी और एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा से उन लोग सीखी रहेंगी तो उन लोग को सिलाई मशीन दिया जाएगा फ्री में, जीवन यादव साहब देंगे। तो कैसी पहल है जो जीवन यादव ये काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए, वो कैसी पहल है? बहुत अच्छी पहल है, बहुत खूबसूरत, समझिए बच्चियाँ बहुत खुश हैं, माँ बहनें हैं जो बहुत खुश हैं, यहाँ ये लोग आई हैं है ना, और मंडे से सिलाई सेंटर चालू हो जाएगा कल रुक के परसों से। तो जो ट्रेनिंग देंगी उन्होंने बताया कि मंडे से सिलाई सेंटर शुरू हो जाएगा और यहाँ पे 35 से 40 बच्चियाँ जो सिलाई सीखेंगी और उन्हें क्या कुछ दिया जाएगा, इनसे आपने सुना ये सिलाई की ट्रेनिंग देंगी, साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उन्हें कितनी जानकारी है इसके बारे में, जानकारी है आपको क्या कुछ? यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सिखाया जाएगा सर। सिलाई पहले कभी सीखी है? जी हम लोग करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत और हाथ बैठ जाएगा, जीवन यादव बहुत अच्छा किए हैं यहाँ पे खोल के, और महिलाओं थोड़ा सीख जाएगी, घर पे थोड़ा बहुत काम करती है थोड़ा यहाँ पूरा सीख जाएगी। क्या लगता है कि जीवन यादव लड़कियों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ये तो इतना अच्छा सिलाई सेंटर ओपनिंग कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए महिलाओं के लिए, सबसे अच्छा तो यही है। क्या लगता है कि सिलाई सीखने के बाद क्या आत्मनिर्भर बनिएगा भविष्य में कभी? जी जरूर, सिलाई सीखने के बाद मैं जरूर आत्मनिर्भर बन लूँगी, जीवन सर का इतना बड़ा योगदान रहा है इसमें सिलाई सेंटर में कि जो महिलाएं नहीं सीख पाती हैं, घर से नहीं निकल पाती हैं, उन लोगों के लिए सर का बहुत बड़ा योगदान है, सर बहुत कुछ किए हम लोगों के लिए और वोट तो सर को ही जाना है।
रहता है कि सिलाई सीखने के बाद आगे आप बिजनेस का स्रोत बनेगा? अब कॉस्ट बनेगा, पैसा का आमदनी होगा? आप जी बहुत होगा जी। ये जो सिलाई सेंटर हम औरतों के लिए खुल रहा है, इसे हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, अपना योगा जो ये है आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं उस सिलाई में बहुत अच्छी रुचि लेती हैं और ज़्यादा सिलाई सीखने में उन लोग का सीखती हैं, तो हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कितना फ़ायदा है ये सिलाई सेंटर सीखने के बाद लड़कियों को? ये सिलाई सेंटर सीखने के बाद बहुत फ़ायदा है, क्या कि जो भी कुछ सीख लेंगी, कुछ जानकारी हो जाएगा अपने बिना बाहर घर से निकले हुए, अपने घर पर सिलाई मशीन रख के, और वो जो भी बिजनेस अपना चला सकती हैं, सीख जाएंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा उनके पास, सर्टिफिकेट रहेगा तो अपना जो भी चार पांच बंदे लगा के काम को, बिजनेस को और आगे बढ़ा। के द्वारा खोला जा रहा है, आपको पता है ना सर? ये जीवन यादव सर के द्वारा खोला जाता है, जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं लड़कियों के लिए और बहुत कुछ सोच रहे कर रहे हैं, तो हम लोग का उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है कि 90 सिलाई सेंटर खुलेगा, ये आपको पता है? हाँ यस सर, 90 सेंटर खुलवाने वाले हैं, चार पांच ऑलरेडी खुल चुका है और इस पे काम चल रहा है, सीवान में हर जगह हर गली में खुलेगा सिलाई सेंटर। आपने सुना कि लड़कियां जो सीखेंगी इससे आत्मनिर्भर बनेंगी और भविष्य में कभी भी अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी? जी यही कहूँगी कि हमें खुशी है कि हमारा काम जो बंद पड़ा था बीमार होने के चलते आज शुरू कर दिए हैं। कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द हम अपने 90 सेंटर का उद्घाटन करें। 90 सेंटर का टारगेट है आपका, कितना सेंटर खुल चुका है और आगे भी क्या कुछ? 6 सेंटर खोले अभी तक, बीमार होने के चलते रुक गया था। देखिए इसमें ट्रेनर होंगे दो जो ट्रेनिंग देंगी, जिनकी सैलरी हम देंगे हमारे ट्रस्ट के थ्रू, और वो लोग ट्रेनिंग देंगी। जो भी लड़कियां 3 महीने के बाद ट्रेनिंग में पास करेंगी, जो परीक्षा होगा उसमें पास करेंगी, तो उनको सिलाई मशीन फ्री में मिलेगा, वो अपना आगे से अपना स्वावलंबी रहेंगी, सिलाई मशीन के द्वारा अपना रोजगार कर सकती हैं, या भविष्य में भी उनको रोजगार की जरूरत पड़े तो स्वावलंबी रहेंगी, तो अपना रोजगार करेंगी। जी इसी के लिए किया जा रहा है ना कि आत्मनिर्भर रहे, कल उनको जरूरत पड़े तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े, वो स्वावलंबी रहेंगी तभी तो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर पाएंगी, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगी। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी महिलाएं होती है जो कम उम्र में किसी कारणवश मैंने शादी के बाद विधवा हो जाए, या हो सकता है शराबी पति मिल जाए, ऐसी बहुत सी कहानियां हम सुने वहां जाके, जैसे हम पकड़ी बंगाली गए थे ऐसी सुने, तो हमें लगा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लड़कियां और महिलाएं रोजगार समय के साथ आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने बस, कि कल किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े, वो अपना स्वयं रोजगार के तहत अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। देखिए वो हेल्थ कैंप नहीं रहा, वो हॉस्पिटल बन चुका है, जीवन सेवा सदन हॉस्पिटल हो गया है। हेल्थ कैंप एक बार लगता है, दो बार लगता है, 10 बार लगता है, अब तो हम उसको एक बिल्डिंग थी हमारी उसको हॉस्पिटल ही बना दिए, तो अब उसको हॉस्पिटल बोलिए आप लोग। सरकारी हॉस्पिटल में 2 रुपए लगते हैं, आपके सेवा सदन में 1 पैसा नहीं लगता है? फ्री में। अच्छा 2 रुपए हम क्यों लेंगे, जब हमको सेवा करना है तो फ्री में करेंगे। देखिए खर्च अब हम मीडिया में थोड़े बताएंगे, आप जोड़ लीजिए, खर्च बताने लगेंगे तो फिर मैं तो मालूम चलेगा ईडी का छापमारी हमारे घर भी कराना है क्या? आपने तो जमीन अपना बहुत सारा जमीन अपने प्रॉपर्टी बेच कर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, सूचना है? हाँ तो बेच रहे हैं, तो फिर गलत क्या है, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकाला जा सकता है रजिस्ट्री कचर, और नहीं बेचेंगे तो कोई साइड इनकम तो है नहीं मेरा, माता पिता का पैसा, माँ टीचर रिटायर्ड हैं, पिताजी बड़े बाबू से रिटायर्ड है, भाई हमारा सीआरपी में सीपी हैं, तो अब ऐसा थोड़े को वो लोग पैसा देंगे तो ये काम करेंगे, हम अपना जमीन बेच कर खरीदे हैं और बिजनेस है मेरा। लोगों की दुआ, कई लोग फेसबुक पे आपके लिए दुआ मांग रहे हैं। हाँ तभी तो इतनी जल्दी ठीक हो गए, नहीं तो इतने जल्दी जॉन्डिस से हम रिकवर हो गए हैं, हमको विश्वास नहीं है, एकदम स्वस्थ है, आपके बीच है, मानते हैं कि सिवान के लोग आपको चाहते हैं, ये तो है कि मोहब्बत करते हैं तभी इतनी जल्दी जमीन पे आ गए, नहीं तो अब जिस तरह से बीमार थे, धन्यवाद देंगे जो हमारे लिए दुआ दिए। मोहम्मद मुस्लिम मेरा नाम है, नया किला के निवासी हैं। आपके मोहल्ले में बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर खुल रहा है, कैसी पहल है? बहुत अच्छी पहल है, इस पहल को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, और मैं अपने मतलब मोहल्ले वासियों का भी बहुत कोशिश करूंगा कि मोहल्ले वासी जीवन यादव जी के शुक्रगुजार बने, क्योंकि इसलिए कि आज का जो माहौल है, जो बच्चियां नहीं काम कर रही हैं, जिसकी शादी हो रही है उसको दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी सुविधाएँ जो है इन्होंने दिया है, ये आज सुविधा इन लोगों को मिलेगी तो इनके बाल बच्चे होंगे, इनकी खुशी होगी, इनके लिए दुआ करेंगे, बस इससे ज़्यादा मैं। लंबे समय से आप समाज से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत से नेता, बहुत से समाज सेवी को देखा होगा, जी जी जी, क्या लगता है कि ऐसी पहल आज के मोहल्ले में किसी नेता या समाज सेवी ने किया है? नहीं अभी तक नहीं किया है, लेकिन आपने किया है,
जीवन यादव ने किया। तो आप लोग का आशीर्वाद कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा हम लोग का, हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एकदम हम कंप्लीट वे हैं। सर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो भी बेरोजगार हैं या फिर जो भी अस्वच्छित है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, जिनके घर वाले, ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि हुनर होने के बावजूद भी हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है ताकि हम कुछ कर सके या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन हम खुद से कर सके, इसके लिए जीवन सर ने एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया, एक उपहार है जिसे लाइफ में कोई भी इंसान चाहे तो ये कभी छीन नहीं सकता, किसी को छीनने के बावजूद भी इसे छीना नहीं जा सकता। ये ऐसा गिफ्ट है हम लोगों के लिए और मैं इसके लिए जीवन सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जी हाँ जी सर, क्योंकि यहाँ से सीखने के बाद लड़कियाँ ऐसा हो सकता है कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम हो वो सिलाई के द्वारा, सिलाई मशीन जो इनको मुफ्त में दिया जा रहा है इसके थ्रू अपने जीविका को चला सकती हैं, घर परिवार को चला सकती हैं, आने वाली प्रॉब्लम का वो खुद सॉल्यूशन कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती है। इसके लिए जी, मेरा नाम शबनम फारूकी सिवान से।